की स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं। हमने अबनौर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया है और 4-5 हॉटस्पॉट को चिन्हित किया है। सबसे पहले बात करते हैं NH-722 पर स्थित सड़क चाचक की, जहाँ आवागमन लगभग कम होने की जगह पर है। बड़ी गाड़ियाँ तो जैसे तैसे कर पार कर जा रही हैं, लेकिन छोटी गाड़ियाँ और दोपहिया वाहनों को पार करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता धीरज दीक्षित ने जीरो बाजार का हालात का जायजा लिया, इसका भी चैन उतरा। चलिए उनके पास लेकर चलते हैं। ये है चांचक का दृश्य जो आप देख रहे हैं। बाइक लगभग आधा डूब जा रहा है, जाने आने की सुविधा लगभग बंद हो चुकी है। अब लोग किसी तरह से उतर उतर के अपने गाड़ी को ले जाने का फंसे हुए लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह था थान नेशनल हाईवे का हाल। इससे आगे हम बात करेंगे भेल्दी गांव का। स्थिति यहां भी भयावह होती जा रही है। यह भेल्दी गांव का प्रसिद्ध महावीर मंदिर, जिसके चारों तरफ जल जमाव हो रखा है। नजारा भेल्दी गांव से नवपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते का है। यह रास्ता बरसात के कारण पहले से ही खराब था और बाढ़ आने के कारण इसकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। यह रास्ता जो भेल्दी गांव से भेल्दी चौक की तरफ जाती है, बाढ़ इसे भी अपना शिकार बना रहा है। चलिए आज सीधा ले चलते हैं सुनो चौक की तरफ, जहां चौराहे पर ही भारी जल जमाव हो रखा है। इस चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है। अरे बैरिकेडिंग कौन बात कर रही है? हमारे संवाददाता ने यहां का ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग किया है। पहले से पानी था कहीं, पानी बात कर, ये पानी पहले का पानी ले लेते हैं। ये भाई कैमरा प्योर सर जगह है। सुनो की तस्वीर आप देख रहे होंगे, लगभग घुटने तक की पानी में डूबा हुआ है और त्रस्त हालत है जनता की। बाइक किसी तरह गुजर पा रही है और फोर व्हीलर की तो बात ही मत पूछिए। ये समस्याएं हैं जिससे रोज रूबरू हो रहे हैं, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये देखिए शायद आने वाले कोई। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं पाएगा और फिर से हम अपने संवाददाता से रूबरू करवाते हैं। ये है पैगा सलखुआ रोड, आप तस्वीर देख रहे होंगे। नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया हुआ, करकमलों के द्वारा बोर्ड भी लगा हुआ है आगे, आप देखेंगे तो अभी थोड़ी देर में हम लोग दिखाएंगे वहाँ कैमरा जब ले जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी का बोर्ड भी लगा हुआ है इस सड़क पे, और ये सड़क की ये हालत है कि पानी भरा हुआ है, रोड टूटती जा रही है, इतना नीचा बनाया हुआ ये सड़क है। भगवान भला करे यहाँ का जनता का क्या होगा। ये तरक्की का एक नमूना आप देख सकते हैं यहाँ पे,